तो की हाल चाल दोस्तों, मेरा नाम है शानू। दोस्तों, आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अकाउंट में कैलेंडर का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप में कैलेंडर का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कैलेंडर का ऑप्शन को वापस ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आईडी और पासवर्ड स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, या फिर दोस्तों अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास से मिला है, तभी दोस्तों आप जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कैलेंडर का ऑप्शन को ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, उसके बाद दोस्तों वहां पे आपको दिखाते हैं कि कैलेंडर का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप को अपडेट कर लेना प्ले स्टोर से, उसके बाद इसे जो ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको जो अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आईडी डाल देना है, जो आपको स्कूल की तरफ से मिला होगा या फिर कॉलेज की तरफ से। उसके बाद देख सकते हैं साइन इन लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके पास अभी जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अकाउंट का जो पासवर्ड होता है उसको डालना पड़ेगा। चलिए हम डालते हैं। उसके बाद देख सकते हैं साइन इन लिखा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने जो अपना पासवर्ड डाल दिया, साइन इन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप जो मेरा लॉगिन हो गया अकाउंट यहाँ पे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे आपको जो है कैलेंडर का जो ऑप्शन है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हैं एक मोर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों फिर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा आपको रीऑर्डर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो है देख सकते हैं कैलेंडर का कोई भी ऑप्शन नहीं, देख सकते हैं जिस तरह से मीटिंग का ऑप्शन है इस तरह से दोस्तों अगर आपका कैलेंडर का ऑप्शन शो कर रहा है तो अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर दोस्तों इसको जो खिसका करके देख सकते हैं सेट कर देना है अगर आपका कैलेंडर का ऑप्शन होगा तो। यहाँ पे दोस्तों मेरा जो है नॉर्मल अकाउंट है इसलिए इस तरह से नहीं शो कर रहा था। उसके बाद देख सकते हैं नीचे आपका जो एक कैलेंडर का ऑप्शन शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे करने के बाद देख सकते हैं एक सेव का बटन है, सेव का बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव का बटन पे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे लोड होगा। उसके बाद दोस्तों आप नीचे एक देखेंगे ऑप्शन आ जाएगा कैलेंडर का। जैसे ही आप कैलेंडर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आप देखेंगे कि जितना भी आपका क्लास होगा, जितना भी मीटिंग क्रिएट किया गया होगा क्लास के लिए, वो सभी क्लास दोस्तों आपको जो शो करे, जिस भी टाइम आपका क्लास होगा उस पर क्लिक करके आप जो मीटिंग को ज्वाइन करके क्लास कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैलेंडर का ऑप्शन कहाँ पे, हम इसे कैसे वापस ला सकते हैं होम स्क्रीन पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी पूछना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है नीचे में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।